ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपने अभी तक सीखा क्या कि यंथ टर्म निकालना सीखा, tn इज इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस 1, लास्ट टर्म भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो यंथ टर्म ही लास्ट टर्म होगा ar की पावर n माइनस 1, sn सीखा ar की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो r एक से बड़ा हो, sn सीखा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r जब r एक से छोटा हो, राइट। अगर यल ज्ञात हो, यल यल के पदों में आपको ऐसे निकालना है तो क्या होगा, ऐसे एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन जब आर एक से बड़ा हो, और दूसरा होगा ए माइनस एल आर बटे वन माइनस आर जब आर एक से छोटा। पिछले वीडियो में इसका लिखेंगे प्लेलिस्ट से जाकर, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पूरा सब डेरिवेशन लीजिए। इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है ए अपॉन वन माइनस आर जब आर एक से छोटा हो, मॉड ऑफ आर एक से छोटा, ये भी आपने सीख लिया। एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म द जीपी, जीपी क्या है, 5/2, 5/4, 5/8, इसका 20 और nth टर्म क्या करना, 20वां पर निकालना है या 9वां पर निकालना है, ए की वैल्यू क्या है बेटा, 5/2, ए की वैल्यू है 5/2 और आर की वैल्यू है t2/t1 या t3/t2, तो 5/4/5/2, तो 2/4 दैट इज 1/2। अब हम tn का फार्मूला क्या जानते हैं, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ए की वैल्यू 5/2, आर की वैल्यू 1/2 की पावर एन माइनस वन, आप इसको भी लिख सकते हो 5/1/2 की पावर एन, क्योंकि ये 5 जो 5/2 है इसको लिख सकते हो 5/1/2 या 1/2 की पावर एन माइनस वन, पावर एड हो जाएगा 5/1/2 की पावर एन। अब हमको 20th टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा, t20 5/1/2 की पावर 20। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज एट्थ टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। ध्यान दीजिएगा, 12th टर्म निकालना है जबकि एट्थ टर्म दिया गया है 192 और कॉमन रेशियो r दिया है 2, तो आपको 12th टर्म निकालना है। हर बच्चा ध्यान देगा, एट्थ टर्म दिया 192, एट्थ टर्म में tn का फार्मूला से ध्यान दो, ar की पावर n माइनस 1, तो t8 होगा ar की पावर 7 192, r की वैल्यू रख दीजिए a इंटू 2 की पावर 7 192, a इज इक्वल टू हो जाएगा 192 अपॉन 2 की पावर 7, तो 192 अपॉन 128 2/128, जिसको 64 से काट दीजिए, 64 2 3, ए की वैल्यू आ गई 3/2। अब आपको निकालना है 12th टर्म का फार्मूला, ए आर की पावर 11, ए की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू 2 की पावर 11, 3/2 इंटू 1024 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 3/4 जा 12, 3/2 6 7 और 3/3। The 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S, यानी 5th टर्म जो दिया है P है, 8th टर्म जो दिया है वो Q है, और 11th टर्म जो दिया है वो S है। आपको प्रूव करना Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी एस, यही निकालना है आपको। देखिए, आप जानते हो tn का जो मान होता है वो ar टू दी पावर n माइनस 1 होता है, तो t5p दिया है तो इसका मतलब ar टू दी पावर 4, राइट। t8 क्या दिया बच्चों, t8 दिया है q, t8 का सूत्र होता है ar टू दी पावर 7।
और टी 11 यस दिया है ए आर टू दी पावर 10। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको लाना है क्यू स्क्वायर पी एस, तो क्यू स्क्वायर चाहे लेफ्ट लेकर करें और चाहे पी एस का गुणा कर दें, आप जैसे आप चाहे लेफ्ट साइड करें चाहे ऐसा करिए कि आप क्यू स्क्वायर को लिख लीजिए ए आर की पावर 7 के स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 14। अब इसको लिख सकते ए आर की पावर 4 और इंटू ए आर की पावर 10। ए आर की पावर 4 क्या हो जाएगा, पी 5 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 4 पी और ए आर की पावर 10 यस, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। चाहे तो आप ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10, क्यू एस का मतलब तो यही है, हो जाएगी ए स्क्वायर आर की पावर 14 ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, यानी फोर्थ टर्म किसी जीपी का स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, टी टू का स्क्वायर है, एंड फर्स्ट टर्म इज माइनस 3, ए इज इक्वल टू दिया है माइनस 3। अब आपको सेवेंथ टर्म निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा टी फोर की वैल्यू क्या होती है, ए आर की पावर 3 और टी टू का मान क्या होता है ए आर, ए आर की पावर 3 हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए से एक कैंसिल हो गया, ये बचा आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया ए। अब ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू रख दी माइनस थी तो आर मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, सेवेंथ टर्म निकालना है, तो सेवेंथ टर्म निकालना है टी 7 हो जाएगी ए आर की पावर 6 माइनस 3 इंटू माइनस 3 की पावर 6, माइनस 3 की पावर 6 होगा 7 × 9, अब 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6 × 8 और 3 × 7 = 21। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कहने का अर्थ है कि 2 √2 4 का कौन सा पद 128 होगा, विच टर्म इज 128, यानी इस सीक्वेंस है, ये देखिए जीपी है, डिवाइड करिए, देखिए रूट टू इसमें डिवाइड की रूट टू, तो इसका कौन सा टर्म जो है 128 होगा, तो मान लेते हैं nth टर्म जो होगा वो 128 होगा, nth टर्म क्या होगा 128, ए की वैल्यू क्या हो गया 2 और आर की वैल्यू क्या हो गया 2 √2 में 2 का डिवाइड किया रूट 2 और nth टर्म जो हो गया 128। अब tn इज इक्वल टू 128, tn का फार्मूला ए आर की पावर n माइनस 1, ए की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू रूट 2 की पावर n माइनस 1 128, तो रूट 2 की पावर n माइनस 1 हो गया 128 × 2 = 64। अब 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6, राइट 2 की पावर 6, या इसको लिख सकते हो √2 की पावर 12, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 12 हो जाएगा, क्योंकि बेस जब तक इक्वल नहीं होगा हम पावर को कंपेयर नहीं कर सकते, यहां बेस इक्वल हो गया पावर को हम कंपेयर कर लें, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 n इज इक्वल टू 13, यानी 13th टर्म जो होगा 128 होगा। 3 √3 = 729, करो विच टर्म इज 729, कौन सा पद जो है 729 होगा, ए बराबर देखिए रूट 3, आर की वैल्यू 3 / √3 दैट इज रूट 3 और tn की वैल्यू है 729, tn क्या दिया है 729, ए आर की पावर माइनस 1 हो गया 729, ए की वैल्यू रख दीजिए √3 × √3 की पावर n − 1 729, ये हो जाएगा √3 की पावर n हो गया, और यहाँ देखिए 3 की पावर 6, तो √3 की पावर n √3 की पावर 12,
यंग कंपेयर कर लेंगे यानी स्क्वायर रूट, तो ट्वेल्थ टर्म जो होगा वो 729 होगा, टी 1/9, 1/27, फीस टर्म इज 119683। देखिए बच्चों ए की वैल्यू क्या है 1/3, आर की वैल्यू 1/9, 1/3, 3/9, 1/3, और टीएन है 1/19683। टीएन का मान दिया है 1/19683, इसका होता है ए आर की पावर माइनस 1, ए की वैल्यू 1/3, 1/3 की पावर माइनस 1/19683 हो जाएगा 1/3 की पावर एन हो जाएगी, इसकी पावर 1 एन 1/3 की पावर 9 होगा, कंपेयर कर लेंगे एन इज इक्वल टू 9, तो नाइन्थ टर्म होगा 1/19683। फॉर वार्ड वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स -2/7 एक्स -7/2 आर इन जी पी, यानी कि एक्स के किन मानों के लिए ए जो है जी पी होगी, तो जी पी होने के लिए क्या होना चाहिए T2/T1, T3/T2, अगर ये है तो जी पी है, तो T2 का मान क्या है एक्स अपॉन -2/7 -7/2 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया -2/7 इंटू -7/2 1 आया, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-1।